जितेंद्र कुमार है, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे बर्मक जमीन में करने वाला बर्मक कैसे बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे मोड़ेंगे, क्या क्या लगता है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, अगर पसंद आए इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बर्मा बनाने के लिए यह है फर्मा, इसी से हम बर्मा बनाते हैं। यह है फर्मा, इसकी लंबाई हम बता रहे हैं 7.5 इंच इसकी लंबाई है, 5 इंच चौड़ाई, ये 5 इंच का होल करेगा। इसकी ऐसे क्या रहे, कुछ इस तरह से इतनी मोटी चादर में बर्मा बन जाएगा। तो कैसे काटेंगे, अगर आपके पास छेनी है तो ये छेनी से कट जाएगा, ग्लेंडर है तो ग्लेंडर से। अब हम काटेंगे ग्लेंडर से इसको। कट चुका है फर्मा, ये इसमें भी होल करना है, ये रहा इसमें होल है, इसमें होल नहीं है, अभी होल करते हैं। इसमें बिल करने के लिए इस साइज का कोई भी ढबरा होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल और ऐसा भी कोई होना चाहिए जो इसमें बच जाए। इस तरह से हो जाता है। अब इसको यहां से चीरेंगे, कुछ इस तरह से। आपके पास अगर पटरी है, पटरी से ही बीचों बीच में ऐसे ही इसको चीर लेना है, इस पटरी को खींचना है तो काटेंगे। अब इसको मोड़ेंगे, इसमें कुछ इस तरह से इसको, ये इस तरह से चलेगा, इस तरह से इसको इसमें मोड़ेंगे। मोड़ने के लिए या प्लास होना चाहिए इस तरह की कोई पकड़ने के लिए सनसी, या थोड़ा इस तरह से मोड़ते हैं। Thank you.
कुछ इस तरह की पत्ती होनी चाहिए। ये मेरे पास कटी है पहले से ही, 8 इंच की है। अगर आपके पास नहीं है तो इस साइज की 8 इंच की पत्ती काट लें, रहेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से बीच में कुछ गैप छोड़ देंगे, यहाँ से पाइप रहेगा कुछ इस तरह से। अब मोड़ते हैं इसको। ये है छेनी, थोड़ी कटिंग है इस पर, इस पर रखिए और हथौड़ा से इसको धीरे धीरे। अब इसको थोड़ी थोड़ी ये नीचे को मोड़ लेंगे। अब इसको इसमें लगाएंगे कुछ इस तरह से। इसको इस तरह से लगाने के बाद इसको वेल्डिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ वेल्डिंग करना पड़ेगा, इसके नीचे वेल्डिंग करना पड़ेगा। आपको बाद अभी तो पाइप चाहिए कुछ इस तरह से। कितना पाइप काटते हैं बताते हैं। 24 इंच का डंडा काटना है और इतना आपको हत्था रखना है, उस हिसाब से आपको हत्था रखना है। 11, 14 ऐसे ही हत्था काटते हैं। इसको यहाँ से खिंचाते हैं, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। हत्था 14 इंच का काटना है। इसको बीचों बीच में ऐसे वेल्डिंग कर देना। अब इसको वेल्डिंग करेंगे, इसको इस पे वेल्डिंग करना है, इसको इसमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करेंगे तो इसको ऐसे ऐसे और नीचे से इसको ऐसे वेल्डिंग करना है कि ये चीज एकदम सीधा रहे। सीधा करने के बाद इसको पैप को ऐसे तो ऐसे वेल्डिंग कर देना है। करने के बाद ही बताएंगे इसको वेल्डिंग करते हैं।
इसको इसमें वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करना है। इसको देख रहे हैं कि तिरछा तो नहीं है। इसको धार लगानी, इसकी धार लगाने के बाद आपको खोल के दिखाएंगे कैसे बिल करता है। ये वेल्डिंग यहाँ भी इसके नीचे भी वेल्डिंग किया है। अब इसकी धार लगाने के आपको जितना ये डंडा है उतना ही बिल कर सकता है।